देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। फरवरी महीने से ही कोविड 19 के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है। SBI की रिसर्च टीम द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर लगभग 100 दिनों तक रहेगी, मई तक इसका असर बना रहे। 23 मार्च के ट्रेंड को आधार मानकर रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी लहर से तकरीबन 25 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। SBI ने 28 पेज की रिपोर्ट जारी की है, जिनमें कहा गया है कि लोकल लेवल पर लॉकडाउन का असर नहीं होता, इसीलिए मास लेवल पर वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लेकर मई के मध्य तक देश में कोरोना का पीक हो सकता है। हमारी सहयोगी वेबसाइट india.com की खबर के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राज्यों में टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। अगर वर्तमान समय की रोजाना टीकाकरण की गति को 34 लाख से बढ़ाकर 40 से 45 लाख रोजाना किया जाए तो 3 से 4 महीने में 45 लाख से ऊपर के लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।